अभी अभी टॉस जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है। ये जैसे ही सिक्का आपके हक में गिरता है तो जाहिर तौर पर आप 5-7% जो एडवांटेज है अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच जो थी और उस सोच के हिसाब से आपने 11 बनाई थी, आप क्या करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया पहले बॉल डाल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, शायद इंडिया यहां पर पहले बैटिंग करना चाहता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ड्यू फैक्टर होगा जिस तरीके से आप देखेंगे, विकेट थोड़ा बेटर होगा, वो बात कर रहे थे उसी, क्योंकि एक महीने में जब श्वेता और राहुल ने वहाँ से रिपोर्टिंग करी तो एक महीना थोड़ा ठंडा हो गया, ये रीज़न होगा। लेकिन इसमें ये लोग बाद में किस तरीके से करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चेजिंग हम कल ही बात कर रहे थे भज्जूपा के साथ, मदन पाजी और रॉबिन के साथ, गेम इंटरेस्टिंग हो गया ये फाइनल, टॉस जीता हम बात करें, लेकिन आई एम श्योर रोहित भी बैटिंग करना चाह रहे होंगे, शायद इंडिया पहले बैटिंग करना चाहेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए टॉस जीत के इन्होंने जो फील्डिंग बॉलिंग कर रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब है दे माइट वांट टू यूज़ द मतलब फ्रेश विकेट को यूज़ करना चाह रहे होंगे। देखिए गेम 5-10 ओवर का गेम तो मूव करेगा ही करेगा, मुझे तो ये लगता है मेरे को नहीं लगता उसका इतना अहमियत होगी। मुझे लगता है उनके जहन में एक और चीज़ हो सकती है। देखिए हालांकि इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वाले मैच के बाद इंडिया का खौफ तब हुआ जब इंडिया ने पहले बैटिंग करनी शुरू की और शाम को गेंद करना, क्योंकि फ्लडलाइट्स में भारत के तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर रहता है कि साइकोलॉजिकल, भाई ये बटरफ्लाइज इन द स्टमक जिसे कहते हैं, या कहते हैं द सोडा बॉटल इफेक्ट, कि वो शुरू के 15-20 मिनट इंडिया को अंदर डाल। गुड टॉस टू लूज आल्सो, रोहित शर्मा के लिए ब्लेसिंग है ये कि बैटिंग आ गई है। वो वही रवि भाई पूछ रहे होंगे कि अगर आप टॉस जीते, वो कहते मैं तो बैटिंग ही करने वाला था।